भाजपा में शामिल होने के बाद आज पहली बार विधायक आशीष शर्मा हमीरपुर पहुंचे, जहां हमीरपुर के प्रवेश द्वार उकली में उनका जोरदार स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं ने विधायक आशीष शर्मा पर पुष्प वर्षा की और ढोलबाजों के साथ नारेबाजी कर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष देशराज सहित विभिन्न भाजपा नेता भी मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधायक आशीष शर्मा ने कहा कि सबसे पहले वे भाजपा हाईकमान का पार्टी में शामिल करने पर आभार व्यक्त करते हैं। आशीष शर्मा ने कहा कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अनुराग ठाकुर, जयराम ठाकुर और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का वे धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कहा कि वह पहले से ही भाजपा की विचारधारा से संबंध रखते हैं। इस दौरान आशीष शर्मा ने प्रदेश सरकार पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि प्रदेश सरकार पिछले 14 महीनों में निकम्मी साबित हुई है, इसलिए उन्होंने यह निर्णय विधानसभा के हित में लिया है। सबसे पहले तो मैं भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व का, माननीय मोदी जी का, अमित शाह जी का, आदरणीय अध्यक्ष जो हैं नड्डा जी का, साथ में प्रदेश नेतृत्व का, जयराम जी का, आदरणीय धूमल जी का, अनुराग जी का, सभी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं कि मेरा सौभाग्य है और कि मुझे भारतीय जनता पार्टी, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसमें सम्मिलित किया और मुझे सौभाग्य दिया कि इस अपने क्षेत्र में, अपनी कंस्टिट्यूंसी में कुछ काम कर सकूं। और जैसे कि आप भलीभांति जानते हैं कि पहले से भी इसी विचारधारा से संबंध रखता था और जिस तरह से पूरा देश तेज गति से मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और प्रदेश में जिस तरह से पिछले 14 महीने में निकम्मी सरकार जो है वो कार्य कर रही है, जिसने कोई भी विकास का कार्य नहीं हुआ जिस 14 महीने में, तो ये जो डिसीज़न है ये प्रदेश हित में और अपनी कंस्टिट्यूंसी के हित में लिया गया है। और मैं धन्यवाद करूंगा यहाँ पे भी भाजपा के माननीय अध्यक्ष जो यहाँ पे रिसीव करने के लिए आए हैं, मंडलाध्यक्ष और देशराज जी हैं, हमारे आदर्शकांत जी हैं, बड़े भाई रिंटू जी हैं और सारे समर्थकों का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं पहले से भी, और भाजपा के भी जितने भी पदाधिकारी और समर्थक आए हैं, मैं सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने इज्जत मान सम्मान दिया मुझे। साथ ही आशीष शर्मा ने कहा कि विधानसभा स्पीकर ने उनके इस्तीफे को अभी तक मंजूर नहीं किया है, क्योंकि कांग्रेस सरकार को डर है कि 6 सीटें कांग्रेस हार रही है और अगर लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव हुए तो वह भी हार जाएंगे। ये बौखलाहट दिखाती है कि किस स्तर पे, क्योंकि जो विधानसभा स्पीकर होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, आप भलीभांति जानते हैं कि वो किसी पार्टी से संबंध नहीं रखते हैं। लेकिन ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जब हमने इस्तीफ़ा दिया है और जो इस्तीफ़ा स्वीकार करना होता है, जब किसी ने अपनी इच्छा अनुसार इस्तीफ़ा दिया है तो करना पड़ता है, लेकिन ये जानबूझ के डिले टैक्टिक्स है सरकार की, कांग्रेस सरकार की, ताकि जो चुनाव हैं वो साथ में ना हों, क्योंकि इनको डर है कि 6 सीटें ये हार रहे हैं, जो इन्होंने ऑलरेडी जहाँ पे कैंडिडेट दिए हैं भाजपा ने, तो 6 की 6 सीटें हार रहे हैं। और ये 3 जो इंडिपेंडेंट हैं जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, इनको डर है कि अगर साथ में लोकसभा के साथ चुनाव हुए तो ये सीटें भी इनकी हाथ से चली जाएंगी। लेकिन मैं एक बात निश्चित रूप से बोलना चाहूँगा, चाहे चुनाव अभी हों चाहे चुनाव लोकसभा के बाद हों, ये तीनों सीटें भी और ये 6 सीटें भी भाजपा ही जीतेगी। और प्रदेश में जो ये सरकार वेंटिलेटर पे चली हुई है, जो ये मुख्यमंत्री जी की बौखलाहट है कि ना, तो अगर उन्होंने विकास के कार्य किए होते अपने ज़िले में तो मुझे लगता है कि उनको तो अगले दिन ही हमारा जो इस्तीफ़ा है वो मंजूर करना चाहिए था, ताकि हम चुनाव में जाते और वो भी लोगों की जनता में जाते, क्योंकि लोक अदालत सबसे ऊपर है लोकतंत्र में, और लोगों के बीच में जाते और अपना जो भी मैंडेट है, लोग जो भी अगर करते वो उन्हें मंजूर होना चाहिए था, तो वो करें। और मैं तो यही बोलूँगा कि जल्द से जल्द हम कोर्ट में भी जाएंगे, इसके लिए अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में भी, कि जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें डिसाइड करे। वहीं कांग्रेस के विधायकों की खरीद फरोख्त करने के आरोपों पर विधायक आशीष ने कहा कि प्रदेश में इस तरह की राजनीति नहीं की जाती है। उन्होंने कहा कि हमीरपुर की जनता सब कुछ जानती है कि मैं कैसा हूं। पिछले कई महीनों से मुख्यमंत्री ने मुझे प्रताड़ित किया और कोई भी काम नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि राज्यसभा के उम्मीदवार को वोट डालना उनका संवैधानिक अधिकार था और मनु सिंह भी को वोट डालने के लिए उनकी अंतरात्मा नहीं मानी। आशीष शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने 6-6 महीने तक मिलने का समय तक उन्हें नहीं दिया और यह निर्णय अब जनता के द्वारा ही लिया गया है, जिससे उन्होंने आज भाजपा का दामन थामा है। पहली बार चुना गया हूँ, ना तो मुझे इस तरह की राजनीति आती है खरीद फरोख्त की कि विधायकों को खरीदें, और ना ही मुझे लगता है कि प्रदेश में इस तरह की राजनीति होती है। पिछले 14 महीने में मेरे हमीरपुर क्षेत्र की जनता भलीभांति जानती है कि क्या मेरा चरित्र है, क्या करैक्टर से मैं पला बढ़ा हूँ और क्या मेरे संस्कार हैं। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से भेदभाव माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने ज़िले के ही विधायकों से किया है, ये रिजर्नमेंट शो की है हमने। और रही बात, आपको भलीभांति पता है जो ये प्रकरण चला हुआ है 27 फरवरी से चला हुआ है, जब राज्यसभा का चुनाव था और मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूँ, मेरा अपना अधिकार है, मैं किसी को भी वोट डाल सकता हूं। जब मैंने वोट डाल दिया भाजपा के कैंडिडेट को जो कि हिमाचल से थे और कांग्रेस को कैंडिडेट को वोट नहीं डाला, क्योंकि आपको भी पता है कि चाहे वो राम मंदिर के खिलाफ जिन्होंने वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमा लड़ा है वो मनु सिंह भी जी ने लड़ा है, और हमारी अंतरात्मा नहीं बोली कि हम उनको वोट करें। और जिस तरह से पिछले 8 महीने में माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रताड़ित किया है, पूरे हमीरपुर को पता है, पूरे क्षेत्र की जनता को पता है। 6-6 महीने मुझे मिलने का समय नहीं दिया गया, और मुझे लगता है कि वो मेरा तिरस्कार नहीं है, वो जनता का तिरस्कार है जिन्होंने मुझे चुन के भेजा है। लोगों ने आपको चुन के भेजा जाता है जब आप विधायक बनते हैं, और उसके बाद किस तरह से आप उन विधायकों को ट्रीट करते हैं, मुझे लगता है ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की मानसिकता के साथ कोई इतने बड़े ऊपर ओहदे पे बैठा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही दुर्भाग्य है प्रदेश के लिए। बता दें कि निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा प्रदेश में चल रही सियासी उठापटक के बीच भाजपा का दामन थामने के बाद आज पहली बार हमीरपुर पहुँचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। तो वहीं उन्होंने भी पार्टी हाईकमान का आभार व्यक्त किया और साथ ही साथ सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर भी जमकर निशाना साधा। पंजाब केसरी टीवी के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट।